विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जिला में चुनावी गतिविधियों ने जोर पकड़ लिया है। इसी बीच करनाल में बुधवार का दिन स्वीप यानी व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के लिए रहा। लघु सचिवालय के सभागार में से लेकर मंडल स्तरीय मतदाता जागरूक कार्यक्रम का आयोजन कर डीसी विनय प्रताप सिंह के अतिरिक्त स्वीप के नोडल अधिकारी एवं एडीसी अनीश यादव, विधानसभा क्षेत्र के आरओ नरेंद्र पाल मलिक के व्याख्यान के साथ साथ मतदाता जागरूकता वीडियो की भी लॉन्चिंग की गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय वोट बनवाने और उसका प्रयोग करने पर ज्यादा फोकस रहा। कार्यक्रम में करनाल सहित इस मंडल के पानीपत से अतिरिक्त उपायुक्त प्रीति, कैथल के डीडीपीओ जसविंदर सिंह के अतिरिक्त केवीए डीएवी महिला महाविद्यालय के छात्राओं और उनके इंचार्ज प्राध्यापक तथा चुनावी गतिविधियों से जुड़े अधिकारी व कर्मचारियों की मौजूदगी रही। डीसी विनय प्रताप सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा व सफल लोकतंत्र है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ बड़ा हो या छोटा, गरीब हो या अमीर, हर पात्र व्यक्ति को वोट बनवाने तथा उसके प्रयोग करने का अधिकार है, जिससे प्रतिनिधि चुने जाते हैं और सरकार बनती है जो अपने नागरिकों के लिए विकास योजनाएं बनाती है। विद्यार्थियों से वोट को लेकर संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि जो यह सोचते हैं कि उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वोट बनवाने के लिए पात्र महिलाओं की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा सोचना कि विवाहित होने के बाद लड़की अथवा महिला ससुराल में जाकर वोट बनवा लेगी, यह गलत है। सही यह है कि जैसे ही 18 वर्ष की आयु हो, महिला को अपना वोट बनवा लेना चाहिए। जब वह ससुराल में जाएगी तो अपना पहले का वोट कैंसिल करवा कर दूसरी जगह बड़ी आसानी से अपना वोट बनवा सकती है। वैसे भी महिलाओं को देश की आधी आबादी कहा गया है, इसीलिए लोकतंत्र में उनकी भागीदारी इतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों की है। भारत में हर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्ति को वोट बनवाने और उसका प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए वोट बनवाना बहुत ही जरूरी है और यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। उसको पिछले 5 सालों में एड्रेस करवाएंगे, किस एरिया में लोगों का रुझान रहा, किस एज ग्रुप के लोगों का रुझान रहा, वो भी हमारे पास फिगर्स रहते हैं कि 18 टू 19 एज ग्रुप में करनाल में इस समय 18,700 के करीब वोटर्स हैं, जिले में 18,700-800 समथिंग। तो हमारे पास वो फिगर आ जाएगी इलेक्शन के तुरंत बाद कि इन 18,800 में से कितने लोगों ने वोट डाले, और सभी सीरियस कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज इस डेटा को एक्सेस करके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो निर्धारित करते हैं। अगर उनको लगता है कि यंगस्टर्स वोट डालने में इंटरेस्टेड नहीं है या वोट नहीं डालते, या कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप या एक पर्टिकुलर रीजन वोट नहीं डालता, तो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो उस हिसाब से वो बनाते हैं। जो व्यक्ति उनके वोटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, इलेक्टोरल पॉलिसी या इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल नहीं है, उस व्यक्ति का इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कहीं जगह नहीं मिलती किसी पार्टी में। सच्चाई है। अगर देश की पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि युवाओं की भारी मात्रा में वोट है और अपने वोट के अधिकार को उपयोग करते हैं, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो भी अगर 50 पेज का कोई पार्टी बनाती है इलेक्शन से पहले, तो उसमें से कम 10 पेज जरूर युवाओं की नौकरी, टेक, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, इसके बारे में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जरूर वो बातें करेंगे, क्योंकि उनको लगता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है यंग वोटर्स में। कोई वोट डाले, ये कहां से लिंक हो गई दोनों बातें, और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्या देश की पॉलिटिक्स आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं करती? आपके घर में सुबह जब उठे तो पानी आया नहीं आया, सुबह उठे तो तैयार होने लगे, बिजली चली गई तो लेट हो गए, तैयार नहीं हो पाए, सड़क पर उतरे बस पकड़ने के लिए तो बस वाले ने या तो टाइम से बस लेकर नहीं आया, या वो बस पहले से फुल थी तो आप वो बस नहीं ले पाए, कॉलेज में लेट हो गए, कॉलेज में भी आप वहां गए तो आपको लगा कि जो टीचिंग की क्वालिटी है शायद वो उतनी अच्छी नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते थे। आपने एडमिशन के लिए कॉलेज में गए तो उन्होंने कहा कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, तो आप
बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको किसी न किसी ऑफिस से बनवाना पड़ेगा, कोई और सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिस से बनवाना पड़ेगा। आप शाम को घर गए तो किसी ने कहा कि खाना बनाने के लिए सब्जी लेकर आओ, तो सब्जी लेने गए तो आपको लगा ये बड़ी महंगी है, रेट कैसे बढ़ गए सब्जी के, वो भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता होगा डेली लाइफ में। और डेली लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा कि नेशनल लेवल इशू। घर गए तो देखा कि घर में एक बच्चा बीमार है, क्यों? क्योंकि उसको डेंगू हो गया। और टेस्ट कराने गए तो पता चला कि वो टेस्ट करने वाले व्यक्ति ने महंगे रेट में टेस्ट कर दिया। ऐसे में हजार आपकी डेली बातें जो आपकी फैमिली में हो रही होंगी वो गिनवा सकता हूं। मैंने कोई नेशनल लेवल की तो बात नहीं करी। और ये सब बातें कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिक्स और हमारी गवर्नेंस से जुड़ी हुई है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो जो सर्विसेज आपको मिल रही हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर से मिल रही है। बट कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर भी रेगुलेटेड है गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज, और अगर इंडायरेक्टली बात करें तो पॉलिटिक्स से। जब हमारी लाइफ में बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक, जो पहला सर्टिफिकेट सरकार हमें जारी करती है वो बर्थ सर्टिफिकेट, और जब हमारी समय पूरा हो लेता है तो आखिरी सर्टिफिकेट वो भी डेथ सर्टिफिकेट, वहां से लेके आखिरी दिन तक हमारी लाइफ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से प्रभावित रहती है। तो हमारा इंटरेस्ट हो या नहीं हो, आप वोट डालो या नहीं डालो, आपकी लाइफ तो इफेक्ट होगी इस पॉलिटिकल सिस्टम से। ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि हम आइसोलेट हो जाएं हमारे यहां की जो भी गवर्नेंस पॉलिटी या पॉलिटिक्स का सिस्टम है, ये ऑप्शन आपके पास भी नहीं है और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ में जैसे आप सब जी रहे हो ऐसी पर्सनल लाइफ में हम लोग भी इस तरह के कई। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.